प्रभावशाली होती है, क्योंकि रात में नींद के द्वारा मिले विराम की वजह से सुबह एकाग्रता ज्यादा होती है। बाइबल के पहले पृष्ठ पर साफ तौर से उल्लेखित है कि ईश्वर की सृजन शक्ति को एक ठहराव के बाद सातवें दिन बल मिला था। आप आश्वस्त हो गए होंगे कि दर्शकों का दुर्बल एवं अनंत दिमाग भी इसी तरह ठहराव की अपेक्षा रखता है। प्रकृति का अनुसरण करें, उसके नियमों पर ध्यान दें और भाषण के दौरान इन नियमों का पालन करें। 3. ठहराव से असमंजस की प्रभावशाली स्थिति पैदा होती है। जीवन में संदेह से एक प्रकार की रुचि पैदा होती है। ये रुचि भाषा शैली से भी जन्म ले सकती है। नाटक या उपन्यास में कथा वस्तु का उल्लेख शुरू में ही कर दिया जाए तो पाठक की रुचि खत्म हो जाती है। स्त्रियों की प्रवृत्ति में संदेह पुरुषों में जिज्ञासा पैदा करता है। सर्कस में कलाबाजी करने वाला कलाकार कलाबाजी करने से पहले कई बार नाकाम कोशिश करता है ताकि दर्शकों में जिज्ञासा पैदा हो सके। इस जिज्ञासा को भांपने के बाद ही कलाकार कामयाब कलाबाजी का प्रदर्शन करता है। करतब दिखाने से पहले की जानलेवा तैयारियों के द्वारा कलाकार दर्शकों की उम्मीद को बढ़ा देता है और इस दौरान दर्शक पेश किए जाने वाले अद्भुत करतब का इंतजार करते हैं। हम केवल इंतजार नहीं करते बल्कि इस इंतजार की सराहना भी करते हैं। यदि किसी करतब में मछली झट से छलांग लगाकर किसी चीज को पकड़ ले तो थोड़ी देर में ऐसा खेल नीरस महसूस होने लगता है। शेरलॉक होम्स की कहानियों में मौजूद असमंजस ही पाठक को बांध कर रखता है। पाठक रहस्य खुलने तक बेहद रुचि के साथ इंतजार करता है। रहस्य का खुलासा यदि कहानी के बीच में कर दिया जाए तो यकीनन बाकी के हिस्से के लिए पाठक की रुचि खत्म हो जाएगी। विकी कॉलिंस का काल्पनिक कहानी लिखने का नुस्खा भाषण की कला पर भी बराबर लागू होता है। पाठकों को हंसाएं, रुलाएं और इंतजार करने के लिए विवश करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इंतजार कराएं। दर्शकों को इंतजार करने के लिए प्रेरित करने वाला कलाकार हंसाने या रुलाने का काम नहीं कर सकता। प्रशिक्षित लेखक असमंजस बनाए रखने के लिए ठहराव के सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एक भाषण में विलियम ब्रायम ने कहा था कि उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी, और फिर वे कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। इस अंतराल में दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा हुई कि किसे सुनकर विलियम को सम्मानित महसूस हुआ। ईसाई धर्म के महान प्रचारक, और वो फिर रुक गए। जिस व्यक्ति की वो चर्चा कर रहे थे, दर्शकों को उनके बारे में बेहद कम जानकारी थी, लेकिन दर्शकों ने इसके बावजूद उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश जारी रखी। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, ड्विट एल मूजी। ब्रायन फिर थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, मैं उनका सम्मान करने लगा। इसके बाद वे फिर चुप हो गए और एक बार फिर दर्शकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दर्शक सोचने लगे कि मूडी का किस प्रकार सम्मान करने लगे। तब उन्होंने कहा कि एक महान उपदेशक के तौर पर। यदि भाषण के इस हिस्से से ठहराव को हटा दिया जाए तो परिणाम कुछ इस तरह से होगा, उन्हें सुनना मेरे लिए सम्मान की बात थी। ईसाई धर्म के महान प्रचारक ड्विट एल मूडी, मैं उनका सम्मान करने लगा एक महान उपदेशक के तौर पर। एक अकुशल वक्ता इस प्रस्तुति को ठहराव और संदेह की कमी के जरिए नीरस बना सकता है। इन छोटी छोटी बारीकियों का सूक्ष्म अंतर एक कामयाब और नाकाम वक्ता के बीच की दूरी होता है। 4. सटीक ठहराव से महान विचार और प्रभावशाली हो जाता है। कोई भी किसान आपको समझा सकता है कि मूसलाधार बारिश का पानी तेज गति से बहकर दूर चला जाता है और फसल के लिए उम्मीद से कम लाभदायक होता है। इसी प्रकार यदि भाषण की गति तेज है तो दर्शक वक्ता के भाव और विचार को नहीं समझ पाते। किसान की पत्नी भी कपड़े धोने के लिए इसी नियम का पालन करती है। गंदगी दूर करने के लिए कपड़ों को घंटों पानी में भिगोया जाता है। जब जीवन के हर मोड़ पर हम इस नियम का पालन करते हैं तो भाषा शैली में इस नियम को क्यों नकारा जाए। दर्शकों के समक्ष किसी महान विचार को प्रस्तुत करने से पहले कुछ क्षण रुकें ताकि दर्शकों को विचार की गहराई तक जाने का मौका मिल सके। अपने भाषण को एक दिन में न्यूयॉर्क घुमाने का दावा करने वाले गाइड की तरह जल्दबाज न बनने दें। ये गाइड मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय में रखी श्रेष्ठ कृतियों की झलक केवल 15 मिनट लेने देते हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दर्शन 10 मिनट में करा देते हैं। जल जीवालय की बस एक ही झलक मिल पाती है। ब्रुकलिन ब्रिज को अफरा तफरी में पार करवाते हैं। चिड़ियाघर में भी जल्दबाजी हावी होती है और इसके बाद ग्रैंड टोम पर वापस ले आते हैं, और इसी अफरा तफरी को न्यूयॉर्क दर्शन का नाम दे दिया जाता है। यदि आप भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु पर सही ठहराव का प्रयोग नहीं करेंगे तो निसंदेह दर्शक आपके विचारों को नहीं समझ सकेंगे। ध्यान रखें कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना आपके आसपास बसने वाले अरबपतियों के पास। दर्शक वक्ता का इंतजार करते हैं। कैलिफोर्निया के मशहूर लाल सागौन पेड़ सुकरात की मृत्यु से 500 साल पहले उपजने के बावजूद आज भी युवा अवस्था में है। प्रकृति के धैर्य को देखकर
स्वयं के उतावलेपन पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। चुप्पी दुनिया के सभी भावों के मुकाबले ज्यादा मनहरण होती है। इस कला पर दक्षता हासिल कीजिए और ठहराव के जरिए इसका उपयोग कीजिए। विराम और ठहराव के सटीक प्रशिक्षण के लिए आगे दिए संकलन में अल्प विराम के संकेतों का इस्तेमाल किया गया है। स्वाभाविक रूप से आप इन संकेतों का विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर भाषण के महत्व और अर्थ को बदल सकते हैं। ये मुख्यतः निजी प्राथमिकता का विषय है। एक दर्जन से ज्यादा कलाकारों ने अपने अंदाज में हैमलेट के किरदारों को निभाया है। किस कलाकार ने किरदार पूरी निपुणता से निभाया, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। निजी अंदाज को उजागर करने से ही मनचाही कामयाबी मिलती है। एक क्षण का विराम व्यक्तित्व को शेष भीड़ से पृथक कर देता है। यह आश्चर्य की बात है, प्रेतों का काफिला पहुंच चुका है और अब तक कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। अरे जल्दी करो, जिन सांसारिक उम्मीदों की चाह में व्यक्ति का दिल धड़कता है वो राख हो जाती हैं। क्या उस गुमनाम बर्फ की तरह होती हैं जो रेगिस्तान के धूल भरे चेहरे को कुछ समय के लिए ढंक देती है। समय की चिड़िया के पास उड़ने के कई साधन होते हैं, जबकि एक वास्तविक चिड़िया अपने पंखों के सहारे ही फड़फड़ाती है। आपने गौर किया होगा कि विराम चिन्ह का ठहराव के सिद्धांत से खास वास्ता नहीं होता। आप भाषण के किसी भी हिस्से को तेजी से पढ़ सकते हैं और कहीं भी विराम ले सकते हैं, अर्थात विचार का महत्व विराम चिन्ह से ज्यादा होता है। एक कविता की पुस्तक, मदिरा का प्याला, पाव रोटी का बड़ा सा टुकड़ा और बीहड़ में गीत गाते हजारों कंठ। ओह, बीहड़ का सौंदर्य स्वर्ग समान होता है। बायरन द्वारा लिखित संकलन में विराम संकेतों पर ध्यान दीजिए। लेकिन वे गहरी आवाजें एक बार फिर से सुनाई दे रही हैं, पहले से ज्यादा निकट, साफ और घातक। थड़ाम थड़ाम तोप के गरजने की आवाज। इन स्वाभाविक विभिन्नताओं के महत्व पर लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि आम बातचीत करते वक्त जहन में शब्दों और मुहावरों का ताना बाना बनने लगता है और हम सही शब्द या मुहावरा चुनने के लिए हल्का सा रुक जाते हैं। इसी प्रकार भाषण के दौरान सांस लेने के लिए रुकें और पूरी सांस भरने के बाद ही दोबारा बोलना शुरू करें। जल्दबाजी से भाषण का सौंदर्य कम हो सकता है। सावधानी के तौर पर एक हिदायत बेहद जरूरी है, विराम और ठहराव के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा अभ्यास न करें। विराम के ज्यादा अभ्यास से भाषा शैली बोझिल और अस्वाभाविक हो सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि विराम किसी आम विचार को महत्वपूर्ण साबित करने का काम नहीं कर सकता। आपको प्राचीन हास्यास्पद रचना मिडनाइट मर्डर का व्याख्यान याद है, जिसकी शुरुआत बहुत ही आडंबरपूर्ण तरीके से हुई और अंत बेहद रोमांचकारी रहा। अंत कुछ इस प्रकार का था, और उसने निष्ठुर ढंग से मच्छर की हत्या कर दी। अंतिम पंक्ति में विराम को कुछ इस नाटकीय ढंग से पेश किया गया कि दर्शक हंसी पर काबू नहीं रख सके। हास्यास्पद भाषण में भाषा की यह शैली कारगर सिद्ध होती है, लेकिन गहन और गंभीर भाषण प्रस्तुत करते वक्त हास्यास्पद ढंग का उपयोग भाषण का प्रभाव क्षीण कर देता है। अर्थात भाषण के दौरान विराम की गंभीरता और लहजे की सहजता को समझना बहुत आवश्यक है। अध्याय 7, सुर बदलने की दक्षता। हार्बर्ट स्पेंसर ने इस लय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लेखक ने बातचीत के दौरान सुर बदलने के सिद्धांत को महत्व दिया है और बड़े भावनात्मक तरीके से ज्ञान का दर्शन प्रस्तुत किया है। यह कितना सच प्रतीत होता है कि शब्दों के मुकाबले सुर में उतार चढ़ाव से कथन के भाव को ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। सुर में उतार चढ़ाव की मामूली प्रतिभा से भाषा का प्रस्तुतिकरण कई गुना प्रभावी हो जाता है, और सुर के उतार चढ़ाव की इसी कला को विभक्ति कहते हैं। शब्द के अंतर्गत सुर में बदलाव की कला और ज्यादा अहम है। मुहावरों के मुकाबले इस कला का उपयोग शब्द के बीच करना बेहद महीन काम है। शब्द बिखरी ईंटों के समान होते हैं, लेकिन सुर बदलने की कला के द्वारा इन ईंट समान शब्दों से रास्ता, गोदाम या गिरजाघर तैयार किया जा सकता है। सुर बदलने की कला शब्दों को नया अर्थ प्रदान कर सकती है। इसी आधार पर एक पुरानी कहावत की रचना की गई है, क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहा गया है यह महत्वपूर्ण है।
शेक्सपियर की रचनाओं पर टिप्पणी करने वाली शख्सियत श्रीमती जेम्सन ने सुर बदलने से संबंधित एक तीक्ष्ण उदाहरण दिया है। लेडी मैकबेथ के जैसा दिखने के लिए श्रीमती सिंडोस ने हम नाकाम रहे भाव को तीन अलग अलग भाव से पेश किया। सर्वप्रथम तिरस्कारपूर्ण प्रश्न के तौर पर, हम नाकाम रहे। इसके बाद अचरज जताते हुए, हम नाकाम रहे।